नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मेडिकल से रिलेटेड, दिल्ली पुलिस के मेडिकल, ठीक है। तो जिन बच्चों का मेडिकल हो चुका है उनसे पूछा गया है कि उनके कौन कौन से टेस्ट हुए हैं, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, मेडिकल आपका नॉर्मल ही होगा, ठीक है। बट इन बातों पर ध्यान दीजिए जो इस वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि जो चीज़ चेक हो रही है एटलीस्ट आपको उन पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ये चेक है, इनमें देख लीजिए कोई पहले दिन होगा या कोई पहले हो जाएगा कोई बाद में होगा, मतलब ओवरऑल मिलाकर यही चेक होने हैं, ठीक है। ये चेक पहले करवा लें या बाद में करवा लें, ठीक है। तो देखते हैं विजुअली चेक में क्या है। वो एक तो आपकी हाइट चेक होगी, वेट चेक होगा, ठीक है। इसमें तो हाइट और वेट अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ओवर वेट अंडर वेट का, हालांकि ऐसा कुछ वो बोलते नहीं कुछ ज़्यादा इसके बारे में, ओवर वेट अंडर वेट के बारे में वो बोल दें कम कर लीजिए अपना, आप अपना कम कर लेना, ठीक है। तो ये तो हाइट और वेट तो एक दूसरे का अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो और उसके बाद क्या है, चेस्ट, चेस्ट के बाद क्या होगा, फ्लैट फुट और नोकनी। इसमें वो इतनी गौर से ध्यान नहीं देते कि भाई एक एक बच्चे का बिल्कुल थोरली चेक करते हैं, वो जैसे विजुअली चेक करते हैं। अगर जैसे ज़्यादा लगता है बिल्कुल, जैसे नोकनी का भी खड़े होने पर आप जैसे किस हिसाब से खड़े होते हैं, तो थोड़ा ऐसे ही रखिए। अगर आपको नोकनी की प्रॉब्लम है तो भी थोड़ा ऐसे खड़े होइए कि थोड़ा लगे ना, ठीक है। और बाकी क्या है, ये बस एक बार वैसे ही चेक करेगा जो डॉक्टर है, और बाकी करता है डॉक्टर पे डिपेंड कि भाई कैसा डॉक्टर है, ठीक है, और हॉस्पिटल में कैसे हो रहा है मेडिकल। तो फ्लैट फुट का और नोकनी का ये है बस, वो अगर ज़्यादा गौर से ध्यान देगा। हालांकि अगर आप फिट हैं तो कोई टेंशन है नहीं, अगर मेरे दोस्त को किसी को दिक्कत है तो भी वो चेक करने पर डिपेंड करता है और आपके खड़े होने पर, ठीक है। इन पर ज़्यादा वो ध्यान देता नहीं है। हालांकि अगर जैसे किसी पर डाउट होता है कि भाई है, फिर उसका थोरोली चेक होगा, लिट आके या जैसे वो चेक करेगा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर है वो। फिर उसके बाद क्या है, हैंड्स। अब वो हाथ में क्या देखेगा, हाथ में वो देखता है जैसे क्या है, आपके हाथ सीधे करवा लेगा, उनमें ज़्यादा कंपन तो नहीं है, ठीक है, आपको ज़्यादा स्वेटिंग तो नहीं होती, मतलब ज़्यादा पसीने तो नहीं आते हैं, और जैसे टूटा हुआ तो नहीं है। जैसे क्या होता है, हाथ टूटा हुआ होता है, जैसे नोकनी में होता है ना कि बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, उस टाइप में हाथ जैसे अगर आप सीधे करेंगे या आपको जैसे पता होगा अगर आपका हाथ टूटा है तो, नॉर्मली उसमें बस यही देखते हैं कि हाथ टूटा हुआ तो नहीं और ज़्यादा कंपन तो नहीं है। और कंपन की बात ये है, जैसे आप अगर ज़्यादा जैसे टेंशन में जाएंगे तो ये होगा स्वेटिंग का, और ये जो हाथ हिलते हैं ना बिल्कुल, जैसे आगे करवाएगा वो हाथ अगर ज़्यादा हिलेंगे तो उसमें थोड़ा दिक्कत है। आप फ्री माइंड जाइए, ये कुछ खास पॉइंट है नहीं, और इनको जैसे इनके पॉइंट बनेंगे भी नहीं, इनका पॉइंट नहीं बनाएगा, वो जस्ट बोल देगा, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या होता है, चेक्स क्या क्या होंगे, आपका बीपी टेस्ट करेगा। बीपी टेस्ट का भी वही है आपको बताया मैंने, फ्री माइंड होके जाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, ठीक है। आप मतलब ये सोचिए मत कि ज़्यादा टफ चीज़ है, ठीक है, अगर आप सोचेंगे तो उसका भी कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जो पॉइंट बनेगा वो तो बनेगा। फिर क्या है, अगर आप जैसे ज़्यादा टेंशन में जाएंगे तो एक आध पॉइंट आपके ज़्यादा ही बनेंगे, ठीक है। हालांकि अभी क्या है यार, इतने ज़्यादा बंदे नहीं लिए हैं, वेटिंग में भी कुछ ही बंदे लिए हैं, तो इसमें क्या आपको ज़्यादा बाहर निकालेंगे नहीं, नॉर्मल मेडिकल है। फिर क्या आपका शुगर है, हालांकि शुगर हमारे इस टेस्ट इन टेस्ट में डिटेक्ट हो जाता, बट क्या कई कई हॉस्पिटल में जो ये शुगर टेस्ट है इसको अलग से कर रहे हैं, कई को इसी में इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट, जैसे काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि ब्लड टेस्ट में क्या चेक होगा, ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन चेक होता है आपका कितना है, ठीक है, हीमोग्लोबिन वगैरह बस ये ही नॉर्मल होता है। और यूरिन का बोले तो यूरिन में क्या चेक होगा, यूरिन में ये होता है कि जैसे आपका जो है यूरिन है ज़्यादा एसिडिक तो नहीं है, ठीक है। फिर क्या, ईसीजी टेस्ट, ईसीजी टेस्ट क्या है, आपको पूरा एक मतलब बेड पे लिटा के आपकी पूरी बॉडी एक चेक हो जाती है, मतलब ऊपर से लगा लीजिए आप, मतलब उसमें जैसे ज़्यादा ही कोई अबनॉर्मलिटी आप में कोई बड़ी डिसीज है तो उसकी बात है, अदरवाइज ईसीजी का कोई बड़ा टेस्ट है नहीं। चेस्ट का एक्सरे होगा आपका, क्योंकि आपको जैसे सांस वांस दमे वगैरह की जैसे कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, हालांकि यार ये छोटी मोटी जैसे जुकाम बुखार ये ऐसा कुछ डिटेक्ट होता नहीं। और चेस्ट का एक्सरे क्यों किया जाता है, क्योंकि चेस्ट में जो भी हमारा है सारे सिस्टम जो है माइटोकांड्रिया वगैरह जो भी कुछ है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इसमें सारे चेस्ट से ही हैं, क्योंकि इससे चेस्ट से पता लग जाता है कि आपको कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। और एक्सरे कोई अबनॉर्मलिटी जैसे उसको पता लगता है, कोई चीज़ यार देखने में ही पता लग जाती है, अगर उसको जैसे ऐसा लगता है देखने में कि भाई इस चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको ही थोरोली चेक करेगा, बाकी जो ये चीज़ हैं इनको बस वैसे ही चेक करेगा। अगर कोई उसे चीज़ लगती है कि ये जैसे टूटी हुई है या कोई और उसे लगता है, हालांकि उसे डॉक्टर उसे अच्छे से पता है कि इस चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे इस चीज़ का एक्सरे कर सकता है, ठीक है। वो डॉक्टर पे डिपेंड करेगा और आपके हॉस्पिटल पे डिपेंड करेगा, ठीक। बाकी जो अब तक हुए उनके बारे में बता रहा हूँ। ENT में क्या होगा,
ENT में एक तो आई और ईयर, आँख और आपका कान, ठीक है। आँख में क्या देखा, आँख में एक तो विजन चेक होता है। विजन में जैसे पूछ रहे थे 6/6 है 6/12 है, चलो 6/12 है, ठीक है। तो उसमें 6/6 6/12 ने वो क्या है, एक सामने जैसे आप गए होंगे आँखों वाले डॉक्टर के पास, उसके सामने एक मीटर होता है, उसमें वो लाइट जलाता है और उसमें कुछ अक्सर होता है, वो पढ़वाता है आपसे। वो अक्सर लगभग सभी पढ़ देते हैं, एक दो नीचे वाले जो छोटे वाले रहते हैं या जैसे वो छूट जाते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। हालांकि आप पढ़ देंगे इसको। फिर क्या है, कलर ब्लाइंडनेस का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर बनता है तो फिर दिक्कत है, फिर ना आप कुछ कर सकते हैं ना कुछ और, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस का है क्या, जैसे कलर डिटेक्ट नहीं कर पाते हम कि हरा है लाल है, वो एक बुक सी दिखाएगा। हालांकि काफ़ी हॉस्पिटल में ये बोल रहे हैं कि वो दिखाता भी नहीं है जो बुक है, और वैसे भी अगर आपको जैसे कॉन्फिडेंटली होके पढ़ेंगे ना तो डॉक्टर इतना ध्यान नहीं देता आपके ऊपर कि आपने क्या पढ़ रहा है, क्योंकि आप जैसे कॉन्फिडेंटली बोलेंगे तो वो भी जैसे एक बैच में जैसे 20 बंदे हैं तो 20 बंदों का इतना हर एक चीज़ चेक नहीं करता। और आपको एक बात बता दूँ, जैसे ये नहीं कि आप सोच रहे होंगे कि एक डॉक्टर आपका सारा मेडिकल कर देगा, जैसे जो आई स्पेशलिस्ट है वो आई चेक करेगा, ऐसे अलग अलग चेक करेंगे, ठीक है। और क्या है, एक स्क्विंट, आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए, और बाकी तो कोई डिजीज़ बची नहीं। हालांकि मेनली यही चेक होते, एक तो विजन, कलर ब्लाइंडनेस और स्क्विंट, ठीक है, मतलब आंखों में भेंगापन तो नहीं। उसके बाद आता है आपका ईयर का, कान का, कान में क्या चेक करेगा, कान में एक तो मैंने आपको बताया था आप अपना वैक्स निकलवा के जाएँ, ठीक है। बाकी वो देखेगा जैसे कोई पर्दे में, एक तो कोई डैमेज वगैरह नहीं है, जो आपका पर्दा होता है ना कान का पर्दा होता है, उसमें कोई होल तो नहीं है या कोई डैमेज तो नहीं है, मतलब भाई पर्दे में होता है ना कि भाई पर्दे में होल है, तो वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। और हीयरिंग देखा कि दोनों कानों से आपको बराबर सुनता है नहीं सुनता है। हालांकि ये क्या है, जैसे किसी हॉस्पिटल में ये चेक नहीं भी हो रहे हैं, जो ईयर का ये सुनने वाला है ये पॉइंट, किसी में चेक होगा किसी में नहीं भी होगा। तो इनमें बस मुझे यही लगता है कलर ब्लाइंडनेस का थोड़ा मुझे लगता है, बाकी इनमें कोई खास दिक्कत है नहीं। हाँ सॉरी, कि टीथ का बचा है। दांत का क्या पॉइंट है, दांत का वो जैसे क्या चेक करते हैं, एक तो नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, और एक चेक करते हैं कि भाई जैसे दांत में कोई डिसीज तो नहीं है, ठीक है। बाकी जैसे बोलते हैं कि कैप वगैरह लगवाई हुई तो उसमें शायद कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं, कैप लगवाई आपने तो उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है। बाकी अगर आपको दांत में कीड़ा वीड़ा है तो आप वो निकलवा के चले जाएँ तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और देखते हैं, एक ये बात पूछ रहे थे काफ़ी कि जैसे कपड़े वगैरह उतरवाते हैं क्या, उनका पाइल्स वगैरह चेक होगा, तो पाइल्स चेक होगा, ठीक है, बवासीर आपकी चेक होगी, और हाइड्रोसिल, मतलब आगे पीछे दोनों जगह से आपको चेक करेंगे, क्योंकि जैसे कि आपको दिक्कत तो नहीं है हाइड्रोसिल और पाइल्स की, ठीक है, बवासीर और ये हाइड्रोसिल, जैसे जो पानी वानी भर जाता है ना उसकी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसमें है क्या, कई कई हॉस्पिटल में जैसे क्या है, पूरे आपको बिल्कुल नंगे करके चेक करते हैं, जैसे अंडरवियर तक उतरवा देते हैं, और कई क्या है जैसे अंडरवियर रखवा देते हैं। हालांकि बट जैसे चेक करने में तो देखो, एक बार तो आपको उतारना ही पड़ेगा अंडरवियर, क्योंकि दोनों चीज़ें चेक होगी ना, अंडरवियर तो एक बार तो उतारना पड़ेगा। हालांकि किसी में क्या है, परमानेंट उतरवा देते हैं जैसे जब तक चेक करेंगे, और किसी में जैसे उसी टाइम पे। तो यही था इसमें, तो बस यही चीज़ें चेक होने वाली हैं। अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी देख लीजिए। और वो एक जैसे पॉइंट बनता है क्या, कई लोगों की टेंशन है कि जैसे अगर पॉइंट बनेगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना देता हूँ आपके लिए कि अगर पॉइंट बनता है तो रीमेडिकल के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। या आपको देखो, ये बात तो है, आपको डायरेक्ट तो अनफिट नहीं कर सकते, ठीक है, वो डायरेक्ट आपको अनफिट नहीं करेंगे, होगा क्या, वो आपका जैसे पॉइंट बना सकते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर आप टेंशन लेंगे तो एक दो पॉइंट तो आपके जैसे वैसे ही डिटेक्ट हो जाते हैं यार, जैसे बीपी का ज़्यादा टेंशन ली बीपी का, और जैसे एक आर्म्स का है आपका, सीधे हाथ करवाएंगे, हाथ ज़्यादा कंपन होता है उसमें, ठीक है, तो आप टेंशन फ्री होकर जाइए। हालांकि मेडिकल में बस यही हो रहा है, इससे कुछ ज़्यादा है नहीं। और अगर आपको जैसे कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। बाकी और एक शायद मैंने नोज़ का नहीं बताया, तो उसका मैं बता देता हूँ। हाँ, नोज़ का, नाक का क्या है, डीएनएस होता क्या है, जैसे जो नाक की हड्डी होती है या तो बढ़ी हुई होती है या टेढ़ी होती है एक दूसरी साइड में, तो उसका पॉइंट बना सकते हैं। हालांकि वो जैसे उससे चेक करेगा तो जैसे टॉर्च वगैरह से ही चेक करते हैं नाक को, कि जैसे हड्डी बढ़ी हुई है या जैसे टूटी हुई तो नहीं है। कुछ चीज़ें क्या है, ये ओपन में दिख जाती है, जैसे नाक टूटी हुई तो ओपन में दिख जाती है, तो उसके लिए वो थोरोली चेक करेगा। बाकी अगर आपका DNS का है, जैसे आपकी नाक टूटी उटी हुई है या आपने ठीक करवा रखी, तो आपको पता होगा। अगर ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी नाक टूट गई थी फिर वो आपको पॉइंट बनाएगा ही बनाएगा। अगर जैसे क्या है, आपकी नाक अगर वो टूट गई थी आपने ठीक करा ली है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो बस यही है मेडिकल में, आप फ्री माइंड जाइए और ये कराइए मेडिकल,
और ये जैसे कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने के हैं, जैसे क्या है कलर ब्लाइंडनेस का है, जब आपको बुक वगैरह पढ़वाए तो उसमें क्या कॉन्फिडेंटली बताना, ठीक है। विजन क्या है, विजन का जैसे वो पढ़ाएगा तो आप पढ़ ही देंगे। उसके बाद क्या है वो टीथ का, अगर कीड़ा वीड़ा लगा है तो आप निकलवा के जाइए। और ईयर का है, कान का, उसमें क्या है वैक्स वगैरह जो मैल वैल है उसको आप निकलवा के जाइए। बाकी कुछ पॉइंट्स में है नहीं ज़्यादा, ये इनर पॉइंट्स हैं, ये जैसे आपका ये पाइल्स और हाइड्रोसिल के ये भी चेक होंगे। और बाकी इन पॉइंट्स में क्या है, ये बीपी का और ये मैंने बता दिया आपको, बीपी टेस्ट होगी इसमें आप टेंशन फ्री रहिए कि आपके पॉइंट्स बनेंगे ही नहीं। और क्या बचा आपका पॉइंट, बस ये हाइट वेट चेस्ट, ये तो आपका होगा ही, और इसमें इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पहली बार देखें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जॉब से रिलेटेड डेली अपडेट्स में लेकर आता रहता हूँ। जो भी नया अपडेट आता है, कोई भी नई जॉब निकली है, कोई वैकेंसी निकली है, किसी का लास्ट डेट है, एडमिट कार्ड रिजल्ट, सभी के लिए। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको बताऊँगा अगर पॉइंट बनता हो तो क्या होता है और किन किन चीज़ों पर ध्यान दें आप जैसे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही।